सुरंग खोज रही थी घर से, कल दिल्ली घर से जब उठाया गया उनको, उनकी गाड़ी सीज करके ले गई। देखिए, इसमें हेडलाइन मैनेजमेंट कितना है और क्या है मैं नहीं जानता। एक मुख्यमंत्री हैं, उनकी प्रोटोकॉल होते हैं और कहते हैं कि आप ईडी हेमंत सोरेन जी को खोज रही है। चक्कर क्या है ना, ये सबको ढूंढेंगे इनकी। आप देखिए ना रफ्तार क्या चल रही है। हमें तो लगा था कि राम मंदिर के बाद इनका मन ठंडा हो जाएगा, लेकिन वहां प्राण प्रतिष्ठा की अपने अंदर के राम को पहले वो नाथूराम वाला राम बना लिया, बापू वाला हे राम नहीं। अब यहां आप कल आपने देखा है लालू जी के साथ, आज तेजस्वी जी के साथ होगा, उधर महाराष्ट्र में चल रहा है, तमिलनाडु में चल रहा है। तो अब ये विपक्ष को तो ये मान लेना चाहिए कि उनको चुनाव भी लड़ना है और इन एजेंसी से भी संघर्ष करना है। लेकिन नतीजे अगर उलट आए ना, तो जो लोग आज ईडी आईटी सीबीआई से ये करवा रहे हैं, सबके सब जद में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा, लेकिन हम कहेंगे सर शुरुआत तो आप लोगों ने की थी। यूसीसी को हरीश रावत बोलते हैं, स्पिरिट ऑफ स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेरा सीधे मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पहले एक बार व्यापक चर्चा तो करिए। आपका अपना लॉ कमीशन जो आखिरी था वो इसके पक्ष में नहीं है, तो आप इसको असल में वो जो बिजुका होता है ना स्केयर क्रो, उसकी तरह इस्तेमाल कर जो खेत में लोग टांग देते हैं कि कोई पशु पक्ष, मतलब डराने के इंस्ट्रूमेंट के रूप में नहीं, समावेशी इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस पर विचार करिए। विविधता भरा देश है, ट्राइबल कस्टम्स है, अलग अलग जातियों की अलग अलग समुदायों की अलग रवायत है। ये जो वननेस आप सोच रहे हैं ना थोप देंगे, ये देश वननेस नहीं अनेक में एक है, ये तय मानिए। अभिषेक मनु जी कहते हैं कि फेल होने सीट शेयरिंग में फेल, नीतीश कुमार जब एनडीए में गए हैं इंडिया अलायंस को फायदा हुआ, संजय राव जी कहते हैं। देखिए, मैं फायदा नुकसान से परे एक बात कहना चाहता हूं, वो आए क्यों थे हमारे पास, चल के आए थे। मैं साक्षी हूं कि बीजेपी मेरी पार्टी को तोड़ रही थी, मुझे खत्म करना चाह रही थी। लालू जी तेजस्वी जी को लगा कि कभी ना कभी तो अपनी ही धारा का व्यक्ति था, तमाम चीज भुला करके पक्ष में हो गए। तेजस्वी जी को इन्हीं 17 महीनों में मौका लगा कि जो व्यक्ति नौकरियों के लिए कहता था कहां से पैसा आएगा, उसी से करवा लिया। आज बिहार में देखिए युवाओं में क्या हताशा है, उनको लग रहा है कि आगे की नौकरियों के द्वार बंद हुए। अभी तो दो तीन जो उन्होंने लाखों भर्तियों वाले काम किए थे वो तो ये कैबिनेट में नहीं लाए, पिछले दो कैबिनेट में, क्योंकि शायद मन बना चुके थे। मेरा सीधे तौर पर मानना है ये लड़ाई आर पार की होगी। नीतीश जी का राजनीतिक अवसान इस प्रकार होगा ये हमने भी नहीं सोचा था, ये उनके लिए भी सोचने की जरूरत है अगर वो अपनी इच्छा से निर्णय ले पाए, जिस पर मुझे शक है। ममता बनर्जी कहती है कि बीएसएफ जो है ना सेपरेट आई कार्ड के लिए फोर्स कर रही बड़े। देखिए, मैं सीधे तौर पर देख रहा हूं कि हर स्टेट में मेजर अपोजिशन पार्टी से लड़ने का इनका तरीका अलग अलग है। वहां पर ये सीए बॉर्डर इश्यूज अननेसेसरी अननेसेसरी। अभी तो एक किताब आई थी स्वाति नारायण की अनइक्वल, उस किताब में तो बताया है कि हम लोग बहुत पीछे हैं बांग्लादेश और नेपाल से मानवीय सूचकांक पे। तो ये जो थ्योरी चलती है कि बांग्लादेश से लोग आ गए, काहे को भाई। गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि राहुल गांधी को अपने नया धर्म कुछ पार्टी को और लेकर चलने से अकेले कुछ नहीं होने जा रहा। ये उनका विचार हो सकता है, मेरा मानना है कि वो एक यात्रा पे चले हैं, उनको अधिकार है, समर्थन भी मिल रहा है, और उस समर्थन की परिणति कैसे होती है ये सब